वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर आकाश बोरे आप सभी का स्वागत करता हूँ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। आज मैं आपको साइट पर लेके आया हूँ जो कि कोर्स में हमारा जो पार्ट है स्लैब, जिसमें कि आपके क्वेरीज थे कि स्लैब को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको डिफ़ाइन करूं और आपको स्लैब से रिलेटेड एक एक पार्ट के बारे में अवेयर करूं, तो उसी के लिए हम आए हैं साइट विजिट पर। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे स्लैब रेडी हो रहा है, स्लैब बन रहा है और इसके एक एक स्पेसिफिकेशन को आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देरी ना करते हुए आइए चलते हैं स्लैब के डिटेलिंग्स के बारे में। सो इंजीनियर्स, जो सबसे पहला पार्ट है वो है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मवर्क बिछ चुका है, ठीक है। स्लैब के लिए जो सबसे पहला पार्ट आता है फॉर्मवर्क, उसको बिछाने के बाद जो ड्राइंग को हमको रीड करना होता है वो ये है कि आपकी जो भी मेन बार या डिस्ट्रीब्यूशन बार, जो भी बार लग रही है, उसकी स्पेसिंग क्या होगी। तो जैसे कि मैं पार्ट बात करूँ, ये हमारा एंड पोर्शन है, क्लियर। यहाँ आप देख सकते हैं जो सबसे पहला मार्क है ना, और हमारी सबसे पहली बार है वो बीम से जस्ट टच होके लगी हुई है, क्लियर। अब यहाँ पर जो हमारा स्लैब है, यहाँ पर जो गिवन स्पेसिंग है वो 100 mm का स्पेसिंग यहाँ पर गिवन है। तो 100 mm के स्पेसिंग में हम डायरेक्टली बार तो बिछाएंगे नहीं, क्योंकि हमें मार्किंग का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या की जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जैक्टली 100 mm में मार्किंग की जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं प्रॉपरली 100 mm में मार्किंग है, क्लियर। जैसे ही हमारे स्लैब में मार्किंग कंप्लीट होती है कि हमको क्या मार्क करना है, जैसे हम बात करें ये हमारी होगी वर्टिकल बार्स, तो यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल बार के लिए भी मार्किंग है 100 mm में। यहाँ आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन के बार के लिए, देखिए यहाँ पर मार्किंग गिवन है, और अगर हम बात करें इस डायरेक्शन के बार के लिए तो उसकी मार्किंग यहाँ पर आपको दिख सकती है प्रॉपरली, क्लियर है इंजीनियर्स। तो इस पार्ट को जैसे ही मार्किंग हमारी कंप्लीट हो जाती है, उस मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है, बार को प्लेस करना। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो वर्कर्स हैं वो क्या प्रॉपरली कर रहे हैं, बार्स को मार्किंग के हिसाब से प्लेस कर रहे हैं, क्लियर। हमको ये पार्ट समझना ज़रूरी है कि वन वे स्लैब कौन से केस में आता है और टू वे स्लैब कौन से केस में आता है, जो कि मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस कर रखा है पहले ही कि वन वे स्लैब किन केसेस में हमको बनाना होता है और टू वे स्लैब कौन से केसेस में हमको बनाना होता है। उसके बाद मार्किंग के बाद जैसा आप देख सकते हैं बार को प्रॉपरली प्लेस किया जा रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा और क्लोजअप दिखाएं हमारे इंजीनियर्स को कि बार के प्लेसिंग के प्रोसेस के बाद आपको ये समझना है कि इसकी जो टेक्निकलिटी है, आपने देख लिया कि ये तो हमारा वर्क हो गया, काम करने की एफिशिएंसी हो गई, लेकिन जब ये काम किया जा रहा है तो इसके पीछे जो टेक्निकल पार्ट है एग्जैक्टली थी, ये काम क्यों इसी तरह से होता है और इसको क्यों एग्जीक्यूट इस वे में किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको ले चलता हूँ, डिटेल पे डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहला हम ये जानते हैं कि डिटेल्स अबाउट वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में। इसमें एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले हमारे माइंड में कि हाउ टू फाइंड आउट वन वे और टू वे स्लैब। फाइंड आउट कैसे करें कि वन वे स्लैब क्या है और टू वे स्लैब क्या है। तो आइएगा, ये सबसे पहला जो है फॉर्मूला बेस्ड, कैसे फॉर्मूले की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि ये वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। मोस्टली ये फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच आप सभी को पता होगा, लेकिन आगे चल के मैं आपको और भी कुछ न्यू टेक्निक्स ट्रिक्स बताऊंगा। सबसे पहला जो हमारा एक हम क्लियर स्पान लेते हैं हमारे एक स्लैब का, जो कि है 2 मीटर क्रॉस 4.5 मीटर का हमारा एक स्लैब है। नेक्स्ट वर्सेस इसके आगे हम एक और स्लैब लेते हैं नेक्स्ट, जिसका क्लियर स्पान है 4.5 मीटर क्रॉस 3 मीटर। ये दो तरह के अलग अलग स्लैब है, हम इसमें देखते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्या होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्लियर स्पान है ना गाइस, इसमें बीम बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं है, क्लियर स्पान है, सिर्फ स्लैब का स्पान है इस पे। तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान, ये एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है गाइस। यहाँ पर आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को लेकर। हमेशा क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एक्स डायरेक्शन पहले आएगा कि वाई डायरेक्शन पहले आएगा। हमेशा फॉर्मूला में ये ध्यान रखिए कि लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान इज द रियल फॉर्मूला। अगर लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू जो है अगर वो ज्यादा या बराबर होती है 2 से, क्लियर गाइस, तो वो हमारा कहलाता है वन वे स्लैब। जैसे कि आगे अभी हम देखते हैं और नेक्स्ट आता है हमारा टू वे स्लैब। तो टू वे स्लैब के लिए क्या कहलाता है कि अगर लॉन्गर स्पान अपॉन शॉर्टर स्पान, लॉन्गर स्पान की वैल्यू अपॉन शॉर्टर स्पान की वैल्यू अगर हम करें, अगर ये वैल्यू 2 से छोटी आती है तो ये कहलाता है हमारा
टू वे स्लैब। ये हो गया हमारा फॉर्मूला बेस, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यूज को पुट ऑन करूं, तो सबसे पहले 4.5 डिवाइडेड बाय, जो कि हमारा लॉन्गर स्पान है 4.5, शॉर्टर स्पान है 2 मीटर, 4.5 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर व्हिच इज इक्वल टू 2.25 मीटर हमारी वैल्यूज आती है, जो कि बड़ी है 2 से। दैट मींस ये हमारा कौन सा स्लैब हो गया, वन वे स्लैब। करेक्ट गाइस, ये हमारा वन वे स्लैब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम इस नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो यहां पर लॉन्गर स्पान है 4.5 मीटर और शॉर्टर स्पान है 3 मीटर, जिसका आंसर आता है 1.5 मीटर। यहां पर वैल्यू 2 से कम है, दैट मींस ये हमारा कौन सा स्लैब हो गया, टू वे स्लैब। तो गाइस, ये जो हमारा सबसे पहला था फॉर्मूला बेस, तो ये फॉर्मूला बेस पर कैसे हम वन वे स्लैब और टू वे स्लैब डिफाइन करते हैं स्लैब के स्पान लेंथ पर। तो आइए चलते हैं हम हमारे सेकेंड अप्रोच की तरफ, कि हम दूसरे तरीके से कैसे पता कर सकते हैं हमारा कौन सा स्लैब है। तो आइए गाइस, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सपोर्ट बेस्ड। सपोर्ट के वजह से कैसे हम पहचान सकते हैं कि वन वे स्लैब है या टू वे स्लैब है। तो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा वन वे स्लैब है, अभी जो हमने फाइंड आउट किया फॉर्मूला बेस पर, अगर इस स्लैब की दोनों साइड, सिर्फ दो साइड पर अगर बीम है और वो बीम है उसके अलोंग लॉन्गर स्पान के अलोंग इसकी बीम है, दैट मींस ये हमारा कहलाएगा वन वे स्लैब। वर्सेस हम चलते हैं टू वे स्लैब। टू वे स्लैब में आपको जो इसका सपोर्ट सिस्टम रहता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो बीम है इसके चारों डायरेक्शन पर है, चारों साइड इसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट मींस ये हमारा कौन सा स्लैब है, टू वे स्लैब। टू वे स्लैब में चारों साइड से सपोर्ट होता है, और वन वे स्लैब में जो हमारा इसका सपोर्ट सिस्टम होता है, इसके सिर्फ दो साइड ही होता है, क्योंकि लोड सिंगल डायरेक्शन के अलोंग वर्क करता है, अलोंग शॉर्टर स्पान इसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अब इससे हमको ये समझना है कि सब वन वे स्लैब सपोर्ट कहां रहता है, बीम्स ऑन टू अपोजिट साइड एंड कैरी लोड अलोंग वन डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन के अलोंग इसका लोड कैरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं टू वे स्लैब सपोर्टेड बाय बीम्स ऑन ऑल द फोर साइड्स एंड कैरी द लोड अलोंग ऑल द डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन पे अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर है गाइस? तो नेक्स्ट टॉपिक ये जो हमारा वन वे स्लैब है और टू वे स्लैब है, इसका हम जानते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म। इसमें लोड किस तरह से ट्रेवल होता है, लोड किस तरह से ट्रांसफर होता है, इस चीज के बारे में हम समझते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो जो हमारा वन वे स्लैब है, अगर मैं इसको सेंट्रल पार्ट से डिवाइड कर दूं, तो ये जो इसका लोड मैकेनिज्म है, देखिएगा इस तरह से आप देख पा रहे हैं, इस तरह से इसका लोड मैकेनिज्म वर्क करता है। ये अपने शॉर्टर स्पान के अलोंग लोड ट्रेवल करता है, मतलब अलोंग बोले तो इस डायरेक्शन पर, जैसे कि ये आपको डायरेक्शन दिख रहे हैं, इस डायरेक्शन पर लोड ट्रेवल होगा, लेकिन जाएगा कहां, लॉन्गर बीम पर। कहां पर जा रहा है ये, लॉन्गर बीम पर लोड जा रहा है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अभी मैं आपको कह रहा हूं, लॉन्गर बीम पर इसका लोड डिस्ट्रीब्यूटर है। यही वो रीजन और फैक्टर होता है कि मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार जब हम पहचानने की बात करते हैं, तो किस तरह से हम उसको पहचान सकते हैं। क्लियर गाइस? लॉन्गर बीम पर ये हमारा लोड जा रहा है। एक बार फिर से इस मैकेनिज्म को देख लेते हैं, इस तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है गाइस। लोड ट्रेवल इन शॉर्टर पाथ ऑन लॉन्गर बीम। लोड ट्रेवल कौन सा पाथ कर रहा है, शॉर्टर पाथ, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लोड स्लैब पे लगने के बाद यही चाहेगा कि मैं जितना जल्दी हो सके अपने लोड को ट्रेवल करवाऊं अपने सपोर्ट सिस्टम तक। तो उसके लिए जो सबसे शॉर्टर पाथ है वो उसका कौन सा डायरेक्शन है, शॉर्टर डायरेक्शन। इसी वजह से इस डायरेक्शन पर हमारा लोड ट्रेवल होता है। क्लियर गाइस? एंड हाफ ऑफ द टोटल लोड इज ट्रांसफर्ड ऑन ईच साइड। यहां पर जो भी टोटल लोड आता है उसमें से हाफ ऑफ इट्स टोटल लोड ट्रेवल होता है अलग अलग जगह पर। यहां पर हाफ लोड इस बीम पे जाएगा, इस स्लैब पर जितना भी लोड है हाफ लोड इस बीम पर जाएगा। क्लियर है गाइस? ये इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म होता है वन वे स्लैब में। नेक्स्ट बात करते हैं हम टू वे स्लैब के लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म की। तो गाइस, टू वे स्लैब में जो हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल्स एंड ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड और ट्रायंगल के फॉर्म पर हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, जहां पर कि अभी हमने देखा था ये हमारी जो लेंथ है ये 4.5 मीटर है, और ये वाली जो हमारी लेंथ है वो है 3 मीटर, जो हमारी क्लियर स्पान की लेंथ है। तो ऑब्वियसली गाइस, जब ये हमारा 4.5 मीटर है, तो ये वाली जो बीम है, ये वाली ये हमारी लॉन्गर बीम है और ये हमारी शॉर्टर बीम है। तो गाइस, जो मैक्सिमम लोड ट्रेवल होगा वो होगा हमारी लॉन्गर बीम पर इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड के फॉर्म पर हमारा जो लोड ट्रेवल होगा वो लॉन्गर बीम पर होगा, एंड जो रेक्टेंगुलर पार्ट का जो हमारा लोड है वो ट्रेवल होने वाला है हमारे शॉर्टर बीम के अलोंग। तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म कुछ इस तरह से बनता है गाइस। यहां पर ट्रायंगुलर पार्ट, ये जो ट्रायंगल ट्रायंगुलर पार्ट की जो इंटेंसिटी ऑफ लोड है ये इस बीम पर जाएगा,
नेक्स्ट इज हमारा ट्रेपेजॉइडल पार्ट की जो लोड इंटेंसिटी है ये इस बीम के ऊपर जाएगी। नेक्स्ट सिमिलरली इस ट्रायंगुलर पार्ट की इंटेंसिटी इस बीम के ऊपर जाएगी, और फाइनली ये जो ट्रेपेजॉइडल पार्ट है इस लोड की इंटेंसिटी इस बीम पर जाएगी। तो गाइज ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा स्लैब है, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोड ट्रेवल ऑन ऑल द बीम इन द फॉर्म ऑफ ट्रेपेजॉइड एंड ट्रायंगल्स। गाइज इस लोड के मैकेनिज्म से ही जो रेनफोर्समेंट आप कंफ्यूज रहते हैं कि मेन बार कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार कौन सी लग रही है हमारे स्लैब में, उसे कैसे पता चले, वो बहुत आसानी से पता चल सकता है। तीसरे कैसे हम पहचान सके रेनफोर्समेंट की पोजीशन के हिसाब से कि हमारा कौन सा स्लैब आने वाला है। तो गाइस चलिए देखते हैं। सेम ये हमारा 2 मीटर का स्पान है जब हम बीम की बात करते हैं, जो हमारे वन वे स्लैब में बीम लगा है, वर्सेस हम बात करेंगे हमारे टू वे स्लैब की जिसका शॉर्टर स्पान है 3 मीटर और यहाँ पर जो हमारा शॉर्टर स्पान है 2 मीटर। तो गाइस मैं आपको एक मस्त थंब रूल बता रहा हूँ, नोट बता रहा हूँ, कौन कौन सी बार्स लगती है हमारे जो टाइप्स ऑफ बार लगती है हमारे इसको फंक्शनिंग करने में। पहली लगती है मेन बार, जिसको हम क्रैंक बार भी कह सकते हैं, मेन बार हमेशा यहाँ पर क्रैंक होकर लगती है। नेक्स्ट लगती है हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी गाइस बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन टॉप डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग आता है, जो कि हम आपको हमारे प्रॉपरली मेन कोर्स में सिखाते हैं सिविल गुरु जी के कि कंप्लीटली एक एक चीज का बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाना है, हर बार क्रैंक बार क्यों लगी है, डिस्ट्रीब्यूशन बार क्यों लगी है, टॉप एक्स्ट्रा बार क्यों लगी है, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल पर सिखाते हैं हमारे कंप्लीटली ट्रेनिंग कोर्स में। आप बिल्कुल नीचे हमारा व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइडेड है, आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं और बहुत आगे आने वाली यूजफुल इंफॉर्मेशन के बारे में अपडेट्स ले सकते हैं गाइज। बिल्कुल आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट नोट गाइज आप एकदम ध्यान से रख लीजिए, फर्स्ट बार फॉर स्लैब इज ऑलवेज प्लेस्ड अलोंग शॉर्टर स्पान, शॉर्टर स्पान के अलोंग, मतलब ये हमारा शॉर्टर स्पान हो गया। अब हम वन वे की स्लैब की बात करते हैं तो ये हमारा हो गया शॉर्टर स्पान। तो सबसे पहली बार देखिएगा ये जो क्रैंक बार है इस तरह से लगने वाली है, इस तरह से हमारी क्रैंक बार लगेगी अलोंग शॉर्टर स्पान, क्योंकि ये हमारी मेन बार है, क्योंकि ये मेन बार किसका काम कर रही है, लोड डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रही है अपने सपोर्ट्स पर, इसी वजह से ये मेन बार हमारी कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑल्टरनेट क्रैंक पैटर्न पर हमारी बार्स लगती है। इस तरह से आप देख रहे हैं पहला क्रैंक इस तरफ से लगेगा तो जो उसकी नेक्स्ट बार लगेगी उसमें इस तरह से क्रैंक आने वाला है, तो ये अल्टरनेट क्रैंक पैटर्न पे वर्क करता है हमारा इंडियन सिस्टम। हम डिटेल पर बात करते हैं हमारे सिविल गुरु जी की ट्रेनिंग कोर्स में कि ये सारी बार क्यों अल्टरनेट लगी हुई है, क्रैंक डिस्टेंस क्या होता है, क्रैंक लेंथ क्या होता है, क्रैंक कितने दूर पर आता है और वो उसी पॉइंट पर क्यों आता है, बहुत सारी डिटेल यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल सकती है। नेक्स्ट ये हम इसको कंटिन्यूअस प्रोसेस इस तरह से लग जाती है बार्स अल्टरनेट पैटर्न पर, हमारी ये मेन बार पुट ऑन हो जाती है। तो ये हमारा वन वे स्लैब में मेन बार का पोजीशनिंग हो गया जो अपने सपोर्ट टू सपोर्ट लोड को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट इन बार्स को सपोर्ट करने के लिए आपस में और एक दूसरे में लोड को ट्रांसफर मैकेनिज्म बनाने के लिए इस पे नेक्स्ट लगते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार गाइस। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बार में अलग अलग तरह के बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन दो अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होते हैं, जो कि इसका बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा बॉटम बार्स को सपोर्ट करता है और टॉप डिस्ट्रीब्यूशन ये जो क्रैंक ऊपर उठती है उनको सपोर्ट करता है हमारा कंप्लीटली वन वे स्लैब में। तो ये गाइस वन वे स्लैब का बार का मैकेनिज्म हो गया कि अल्टरनेट बार केवल एक साइड ही आती है क्योंकि लोड जो ट्रेवल करता है वो अलोंग शॉर्टर स्पान ट्रेवल करता है लोड, इसी वजह से मेन बार जो है इसके अलोंग शॉर्टर स्पान आएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था लोड पर डिपेंड होता है कि बार कौन से डायरेक्शन पर लगने वाली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा टू वे स्लैब का केस कि टू वे स्लैब के केस में रेनफोर्समेंट बार किस तरह से लगती है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है गाइस, क्योंकि यहां पर दोनों बार ही एज अ मेन बार एक्ट करती है, लेकिन जो सबसे पहली बार हमारे स्लैब के स्पान में लगेगी तो गाइस ये देखिए जो हमारा शॉर्टर स्पान है 3 मीटर, क्लियर। जैसे कि हमने हमारे पहले स्लाइड में देखा था कि जो मैक्सिमम लोड है वो ट्रेपेजॉइडल पोर्शन में कौन सा जा रहा था, लॉन्गर बीम पर, यहां पर सिमिलरली यहां पर भी लॉन्गर बीम पर। तो गाइस जो सबसे पहले जो बार लगेगी वो लोड कौन से बीम पर पहुंचाएगी, लॉन्गर बीम पर। यहां पर भी देखिएगा सबसे पहली बार जो लगी वो लोड कहां पर पहुंचा रही है, लॉन्गर बीम पर ऑलवेज। यहां पर देखिए फर्स्ट बार फॉर स्लैब इज ऑलवेज प्लेस अपॉन अलोंग शॉर्टर स्पान, द शॉर्टर स्पान के अलोंग मतलब इस तरह से। तो सिमिलरली ये हमारा शॉर्टर स्पान है तो यहां पर भी बार कुछ
किस तरह से प्लेस होने वाली है, इस तरह से ऑल्टरनेट बार के पैटर्न पे देखिए गाइस, इस तरह से प्लेस होगी बार, अलोंग शॉर्टर स्पान प्लेस हो रही है, लेकिन लोड कहां पर डाल रही है अपना, मैक्सिमम लॉन्गर बीम पर, क्योंकि मैक्सिमम लोड जो ट्रेपेजॉइडल लोड है वो जाने वाला है ये हमारे यहां पर बीम पर, सिमिलरली यहां पर भी बीम पर। तो गाइस इस तरह से सिमिलरली पूरे स्पान के अलोंग इस तरह से हमारी कंटिन्यू ऑल्टरनेट बार लग जाएगी। नेक्स्ट गाइस जो हमारी सबसे पहली बार तो ये बिछ गई हमारे फॉर्मवर्क के ऊपर। नेक्स्ट जो इसके ऊपर जैसे कि इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन बार आ रही थी, सिमिलरली इस केस में भी डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगी गाइस, लेकिन यहां पर टू वे स्लैब के केस में जो हमारा लोड है उसका मैकेनिज्म ये है कि ये ट्रायंगुलर पार्ट भी यहाँ पर हमारे जो ये शॉर्टर बीम है यहाँ पर ट्रायंगुलर पोर्शन पर लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी वजह से ये भी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बार तो है लेकिन ये एक्ट करेगी एज अ मेन बार ही, ये हमारा एक्ट करेगी। तो यहाँ पर जो हमारा लोड की इंटेंसिटी रहेगी, जो लोड आएगा उसको अगर हम किस तरह से देखेंगे हमारे मैकेनिज्म में वो देखिएगा इस तरह से प्रॉपरली ये हमारी बार लगी जो हमारी शॉर्टर बीम पर जो हमारा लोड ट्रेवल कर रहा है, इस तरह से सिमिलरली ऑल्टरनेट पैटर्न पर यहां पर भी बार लगेगा इस तरह से। नेक्स्ट जो है इस तरह से पूरा ऑल्टरनेट पैटर्न सेट होगा हमारे रेनफोर्समेंट बार्स के लिए कि किस तरह से लग रहे हैं, सिमिलरली ऑल्टरनेट क्रैंक में लग के हमारा स्लैब को कंप्लीट करेगा। गाइज अभी भी एक बार बची हुई है, अभी तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान के अलोंग जो हमारी बार्स लगी ये हमारी मेन बार कहलाई, इसके बाद गाइस इसमें भी टॉप डिस्ट्रीब्यूशन बार लगती है जो कि इसके क्रैंक को सपोर्ट करने के लिए लगता है। एंड नेक्स्ट हम आखिरी बार की बात करते हैं वो है टॉप एक्स्ट्रा बार। ये टॉप एक्स्ट्रा बार क्यों लगाई जाती है, तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जैसे हम बात करें कि ये वाली जो क्रैंक बार आपको दिख रही है ये जो मैं अभी आपको कर्सर से दिखा रहा हूं ये यहाँ ऊपर चढ़ के इस तरफ चली गई, लेकिन ये जो फॉर्मवर्क में नीचे रह जाएगी, तो यहाँ पर जो ऊपर इसको सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर टॉप एक्स्ट्रा बार लगाई जाती है। टॉप एक्स्ट्रा बार का काम होता है जो और नेगेटिव मूवमेंट है उसको रजिस्ट करने का, प्रॉपरली कौन सा मूवमेंट आता है, किस तरह से आता है, कैसे आता है, ये सारी चीजों पर हम बात करते हैं हमारे मेन ट्रेनिंग कोर्स में।